हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एम्प्लिकॉन्स ऑफ बायोटेक। आई एम मेघराज एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ ह्यूमंस आर मेड फ्रॉम जेनेटिक कंस्ट्रक्शन दैट इज DNA। इस वीडियो का लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट वन हाउ ह्यूमंस आर मेड, हम उस वीडियो में देख रहे थे कि जेनेटिक कोड से इंसान कैसे बनता है, कैसे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है, कैसे फिंगर का अरेंजमेंट होता है, ये सब चीज़ें हम देख रहे थे। तो आज हम उसके आगे का पार्ट इस पार्ट टू में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो है, हमारा पार्ट वन ज़रूर देखिए। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था सेंट्रल डोग्मा के बारे में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो पहले DNA से बनता है RNA, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में RNA से बनता है प्रोटीन, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे कि DNA से RNA यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली कैसे होता है। अभी DNA हमारा है डबल स्ट्रैंडेड, तो DNA से RNA बनने के लिए क्या होता है, RNA पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, RNA ये क्या है, एंजाइम है एक, तो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे DNA से RNA बनाने के लिए। RNA पॉलीमरेज के तीन टाइप के एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 और RNA पॉलीमरेज 3। तो इससे क्या होता है, तीन टाइप के RNA फॉर्म होते हैं। एक है पहला rRNA, सेकंड इज mRNA एंड थर्ड tRNA। तो ये सब होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन वाले फर्स्ट स्टेप में। अभी एग्जैक्टली क्या होता है, RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ ट्रांसक्राइब ऑफ mRNA। सो व्हाट हैपन्स हियर एग्जैक्टली, ये हमारे ATGC यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो RNA पॉलीमरेज क्या करता है, एनवायरनमेंट से न्यूक्लियोटाइड्स लेकर इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में उसके बारे में भी, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ATGC का अपोजिट ये होता है mRNA बनाता है, वैसे ही tRNA और rRNA DNA की हेल्प से RNA पॉलीमरेज बनाता है। तो ये हम आ गए mRNA, rRNA और tRNA तक। अभी नेक्स्ट क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस सेल के अंदर, तो ये सब ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस था वो शुरू था न्यूक्लियस के अंदर। तो mRNA स्ट्रैंड जो अभी बन चुकी है DNA से, वो आती है न्यूक्लियस से बाहर, यानी कि हमारे साइटोप्लाज्म में। अभी ये mRNA स्ट्रैंड ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब ये सब प्रोसेस शुरू है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में। अभी देखो क्या होता है, mRNA न्यूक्लियस से बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, तो उसके बाद ये mRNA हमारा साइड में रख लो फिलहाल के लिए। अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज नाम का दूसरा हमारा एक एंजाइम है, अमाइनो एसिल tRNA सिंथेटेस। यहाँ पे दो साइट्स है हमारा
साइट वन साइट टू। पहले साइट में मीथियोनाइन अमीनो एसिड मीथियोनाइन यहाँ पे बाइंड होता है और वो एटीपी के चार्ज से, इसे हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कह सकते हैं, तो ये हमारा एटीपी है, तो एटीपी के चार्ज से ये होता है एक्टिवेट, तो इसे कहते हैं एक्टिवेशन। तो उसके बाद में टीआरएनए जो हमारा सराउंडिंग में है उसे ये एंजाइम कैप्चर करता है। अभी टीआरएनए हमारा यहाँ पे साइट टू पर बाइंड हो गया, अभी ये हो गया टीआरएनए विथ अमाइनो एसिड, ये हमारा एमआरएनए हमने जो साइड में रखा था फिलहाल। तो अभी ये टीआरएनए जहाँ पर अमाइनो एसिड सपोज कर लो मीथियोनाइन, ये हमारा टीआरएनए के साथ अटैच्ड है। अभी क्या होगा, अगला जो प्रोसीजर है हमारा नेक्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन का, ट्रांसक्रिप्शन अभी ख़त्म हो गया, अभी हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन। जब से एमआरएनए साइटोप्लाज्म में एंटर हो चुका है तब से ट्रांसलेशन शुरू हो गया। तो एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है वहाँ पर एक स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम के एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है, तो स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर बाइंड होगा। ये हमारा एमआरएनए, ये हो गया हमारा सीक्वेंस। अभी स्मॉल सब यूनिट जो है राइबोसोम का वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके बाइंड हो जाएगा, स्मॉल सब यूनिट। अब क्या होगा, जो हमारा टीआरएनए है अमीनो एसिड जिस पे मिथियोनाइन अटैच्ड है वो यहाँ उसके टीआरएनए पे हो गए एंटीकोडॉन सीक्वेंस। अगर यहाँ पे है ए यू जी तो यहाँ पे होगा यू ए सी, कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है, तो इसे ये ट्रिपलेट कोडॉन है। अभी ये कोडॉन है, कोडॉन ही हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है, तो ए यू जी कोड्स फॉर मिथियोनाइन। अभी ए यू जी का कॉम्प्लीमेंट्री है यू ए सी जो कि टी आर एन ए पे अटैच्ड है, तो टी आर एन ए क्या करेगा, ए यू जी को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अभी ये हो गया हमारा टी आर एन ए। उसके बाद राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट वो क्या करेगा, स्मॉल सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करके वो भी यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ये आ गया हमारा टीआरएनए यहाँ से। अभी लार्ज सब यूनिट में तीन साइट्स है, ये हो गया ए साइट, ये हो गया पी साइट, ये एक्सेप्टर साइट है, ये हमारा एग्जिट साइट, ठीक है। तो सपोज कर लो कि कंसिडर कर लो कि ये एक ट्रक है, ट्रक में हमने यहाँ पे लोडिंग कर लिया और ट्रक वहाँ से आ रहा है रूट पर से जो कि है हमारा एमआरएनए, तो ट्रक को यहाँ पे सामान उसका अनलोड करना है, सिंपल। तो अभी ये हो गया ए साइट पी साइट और ई साइट। सेकंड थिंग, उसके बाद हमारा अगला जो टीआरएनए है जो कि सपोज कर लो एल नाइन, ये हमारा दूसरा अमीनो एसिड, से 20 अमीनो एसिड्स है हमारे 20 टाइप्स। तो अगला जो टीआरएनए है वो आएगा ए साइट से यानी कि एक्सेप्टर साइट,
और ये जो पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है AUG, यहाँ हमारा स्टार्ट कोडन है, यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और ये पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ट्रिपलेट कोडन, अभी ये तीन हमारे कोडन है, तीन कोडॉन्स रीड करते हुए आगे बढ़ेगा, ये तीन रीड किए उसके बाद नेक्स्ट ये पूरा ये कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ेगा नेक्स्ट थ्री कोडॉन्स पे, और आगे बढ़ने के बाद ये tRNA हमारा आएगा यहाँ पर एक्सेप्टर साइट। तो ये tRNA जो आया वो आया दूसरा अमीनो एसिड लेकर, ठीक है, और फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हमारा आगे बढ़ेगा और यहाँ पे इन दो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, ये दो अमीनो एसिड लिंक करेंगे। उसके बाद जो ये वाला हमारा पहले वाला tRNA है उसका अमीनो एसिड उसने छोड़ दिया, वो आ गया एग्जिट साइट में और एग्जिट साइट से वो निकल जाएगा फिर से बाहर। तो अभी ये हो गया ब्लैंक, इसने इसको दे दिया एक अमीनो एसिड, ये हो गए दो अलग टाइप के अमीनो एसिड। उसके बाद फिर से एक और एक tRNA आएगा, यहाँ पे बाइंड होगा, ये कॉम्प्लेक्स हमारा आगे बढ़ रहा है, ये तीन कोडॉन फिर से ये तीन कोडॉन जब तक के एंड यानी कि स्टॉप कोडॉन जब तक के वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अभी AUG स्टार्ट कोडॉन उसने रिकॉग्नाइज किया, यहाँ से ही वो स्मॉल सब यूनिट अटैच हो चुका था, लेकिन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है वो उसे यहाँ पे आकर पता चला कि यहाँ पे AUG है, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी फिर एंड कब तक होगा, जब आएगा स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन ये हमारा स्टॉप कोडॉन है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस एंड हो जाएगा और तब तक के सेम थिंग, यहाँ पे नेक्स्ट अमीनो एसिड बाइंड होगा, यहाँ पे और एक tRNA आएगा जिसका अमीनो एसिड छूट गया, वो tRNA फिर से बाहर चला जाएगा। तो ऐसे करते करते ये हो गई हमारी अमीनो एसिड्स की चेन, और अमीनो एसिड की चेन जो है ये एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा और चौथा। तो इसका जब कॉम्प्लेक्स बंडल फॉर्म होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पेंस के एग्जांपल के बारे में बताया था कि ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, तो ये हो गई हमारी चेन। तो इनका जब कॉम्प्लेक्स बंडल फॉर्म होगा उस कॉम्प्लेक्स बंडल को हम कहते हैं प्रोटीन। तो ये हो गया ट्रांसलेशन यहाँ पर एंड, ठीक है। अब क्या होगा ये सब प्रोसेस का कि एंड कोडन तक आ गए, tRNA चला गया, इसको पता चल गया कि यहाँ पे अभी हमारा प्रोसेस एंड हो चुका है, ठीक है। ये चेन जो है ये रिलीज हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा चेन रिलीज हो जाएगा ऐसे, और ये हमारा प्रोटीन बन जाएगा। अभी धीरे धीरे लार्ज सब यूनिट रिलीज होगा, उसके बाद में स्मॉल सब यूनिट रिलीज होगा, तो ये mRNA फिर से जैसे थे वैसे, स्मॉल लार्ज सब यूनिट अलग, स्मॉल सब यूनिट अलग, सब अपनी अपनी जगह पे नेक्स्ट प्रोटीन के लिए। अभी ये प्रोटीन अगर सपोज हमारा कोड कर रहा है केराटिन के लिए, तो ऐसा ही प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बंडल फॉर्म होगा, बहुत सारे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आई कलर जो है जो ब्राउन आई कलर, तो वो हमारा बॉडी ब्राउन आई नहीं बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है जो लार्ज लेवल पर ब्राउन कलर का दिखता है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेंट्रल डोग्मा, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ DNA, देन DNA टू RNA, RNA में क्या क्या है, mRNA, tRNA और rRNA, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, देन RNA टू प्रोटीन, देन RNA टू प्रोटीन इज नथिंग जस्ट फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड चेन, देन फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड, ट्रांस
ट्रांसलेशन। नाउ दिस इज ऑनगोइंग थिंग, ओके, कंटिन्यूअसली वर्किंग इनसाइड आवर बॉडी। नाउ स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। लाइक सपोज प्रोटीन नंबर वन, दिस स्पेसिफाइज दिस द कैरेक्टर शोज आई कलर। देन सेकेंड प्रोटीन इज मेड फॉर कैरेटीन, हेयर्स और नेल्स। देन थर्ड प्रोटीन इज लेट्स से अबाउट कंपोजिशन ऑफ हार्ट, देन ब्रेन, देन ऑल द सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स, देन ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू आवर प्रोटीन एंड डीएनए विच इज आवर जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो अल्टीमेटली as it is our genetic material, so our topic was how humans are made, okay, from DNA and protein. I told you in the earlier video in part 1 that our body is made from organs, okay, then heart, then brain, liver, etc. So this is our organs, organ system. Then our hand, legs, everything which is our, this is our organs, organ system, including muscles, bones and tissues. These are made from tissues, and tissues are made from cells. So everything, this ongoing cycle, and cells make proteins. And again, proteins are responsible for specific organ formation, then tissue formation, cells formation, etc. So this is how humans are made, from genetic code, genetic material, that is our DNA. Okay. I hope you understood everything I said in this video and earlier one. मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा समझ में आता है या फिर कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।